दाल भरी पूड़ी बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा। फैमिली, मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज जा रहे हैं दाल भरी पूड़ी बनाने। देखिए, ये एक कटोरी चने के दाल लिए हैं और इसमें डाल के धुल लेंगे। देखो, इसे धो लिए। और ये पूड़ी, इसका बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बाहर भी जाएंगे तो इसका दाल भरी पूड़ी बना के ले जा सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। देखिए, इसे कुकर में डाल देंगे। देखिए, डाल दिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक मर्चा लहसुन पीसेंगे बाद में ना, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। अब इसे कुकर बंद करके देखिए, रख दिया गैस पे। अब 3 सीटी देगा तो इसको उतार देंगे हम। फ्रेंड, इसको अब उबाल लिए अच्छे से, बढ़िया से। देखिए, पक गया है। देखिए, मिक्सर में डाल लिए हैं। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। सिलबट्टा पे तो ये पीसा जाता है, इससे सोन आता है। अब इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च डालेंगे। पहले इसको दाल पीस लें। देखिए फ्रेंड, दाल अब पीस लिए हैं। अब इसमें जार में देखिए लहसुन, अदरक और मिर्च डाल के इसको पीसेंगे और इसे दाल में मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये पचफोरन है। पचफोरन को भूज लिए हैं। भूज के देखिए, भूज के हम निकाल ले रहे हैं। ज़्यादा मेथी मत डालिएगा, नहीं तो कड़वा लगेगा। अब इसमें मिक्सर में डाल के इसको पीस देते हैं लहसुन। देखिए, अब डाल के इसी में पीस देंगे जार में। देखिए फ्रेंड, इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च डाल दिए। नमक स्वाद अनुसार और तीखा भी अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। देखिए कितने अच्छे से बन गया। आप लोग भी बनाइएगा और बना के खाइएगा, देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना कलर भी कितना अच्छा आ गया है इसका। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास अमचूर ना हो तो आधा नींबू निचोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी अच्छा लगता है इसमें। देखिए, हम नींबू निचोड़ दिए हैं। अमचूर अगर हो तो अमचूर भी डाल सकते हैं आप। हम नींबू निचोड़े हैं, निचोड़ के इसमें मिला देंगे। इसका बीज आ गया है, अब इसमें मिला देंगे और टेस्टी लगता है। देखिए, मिला दिए। देखिए, मिला दिए। अब इसमें अब नींबू से थोड़ा सा स्वाद बन जाता है बढ़िया। देखिए, अब चल रहे हैं बनाने। देखिए फ्रेंड, अब जा रहा है इसमें ये डाल के, ऐसे लोइया बना के इसमें ऐसे डाल देंगे। अब इसे ऐसे करके, हमारे यहाँ छाना हुआ नहीं कोई खाता है, तावा हुआ घसा हुआ लोग खाते हैं। आप इसको छान भी सकते हैं। देखिए, ऐसे बना देंगे। देखिए, तावा पर रख दिए हैं, अब लाल हो गया है। देखिए कितना अच्छे से पक रहा है।
देखना फ्रेंड कितने अच्छे से फूल गया, देख रहे हो कितना बढ़िया फूल गया है। देखिए कलर भी अच्छा आ गया है, देख रहे कितना बढ़िया से है। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से पक गया है। आप लोग के अच्छा लगे आप लोग भी घर पे बनाइए और खाइए, और अच्छा लगे तो इसे बनाइए भी, और टेस्टी बहुत है, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।